टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। फ्रेंड्स कैसे हैं आप? आज मैं आपके सामने रेसिपी लेके आई हूँ, दाल खिचड़ी तड़का रेसिपी। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है, इसे बनाना, खाना और पचाना बहुत ही आसान है। और जब अब जैसे बहुत गर्मी का मौसम चल रहा है और हम कुछ इजी रेसिपी बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ही इजी रेसिपी है। और जो बच्चे हॉस्टल वगैरह में रहते हैं या जो बैचलर हैं वो भी इसे आसानी से बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए वैसे तो अलग अलग तरह की खिचड़ी बनाई जाती है, जैसे मूंग की छिलके वाली या धुली वाली मूंग की। आज मैं बनाने जा रही हूँ अरहर दाल की खिचड़ी। इसके लिए मैंने एक कटोरी अरहर की दाल ली है, छोटी वाली, और एक कटोरी मैंने चावल लिया है। इनको मैंने दो तीन पारी में अच्छी तरह से धोकर पौने घंटे के लिए भिगो दिया था। अब मैं इसे बॉईल करने के लिए कुकर में डाल रही हूँ। अब मैंने दाल चावल को कुकर में डाल दिया है। इसमें मैंने पानी इतना ऐड किया है कि हमारी जो दाल चावल है अच्छे से डीप हो जाए और थोड़ा सा पानी इसके ऊपर रहना चाहिए। इसमें मैंने आधा चम्मच हल्दी का ऐड किया है और जो नमक है उसे आप अपनी अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करें। अब मैं इसे गैस पर रखकर 4 सीटी देने तक उबालूंगी। अब मैंने खिचड़ी को उबलने के लिए रख दिया है, इसमें मैं 4 सीटी दूंगी। उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। खिचड़ी इस तरह से भी बनाई जा सकती है कि आप जैसे मैं बॉईल करके बना रही हूँ एक तो, और एक आप क्या होता है जैसे देसी घी, उसमें जीरा, हींग, मिर्च, धनिया पाउडर सब कुछ डाल के उसके बाद उसमें खिचड़ी डालकर उसे उबाल लें, उस तरह से ही बनाई जा सकती है। पर मैं आज इसे खाली पहले सिंपल उबाल के बना रही हूँ। हमारी खिचड़ी में 4 सीटी आ गई हैं। अब मैंने जो गैस का फ्लेम है उसको ऑफ कर दिया है। अब मैं तड़के की तैयारी कर लेती हूँ। इस खिचड़ी में मैं 2 तरह के तड़के लगाऊंगी। जो पहला तड़का है उसे बनाने के लिए हमें क्या करना है ये देख लेते हैं। जो मैं खिचड़ी में पहला तड़का लगा रही हूँ उसके लिए मैंने गैस को ऑन करा है। इसमें मैंने एक नॉन स्टिक फ्राई पैन रखा है। जब फ्राई पैन माना अच्छा हल्के से गर्म हो जाए तब मैं इसमें ऑयल के डालूंगी। इसमें मैंने 2 चम्मच बड़े वाले जो है ये ऑयल के डाले हैं। आप जो भी ऑयल खाते हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं। जब हमारा हल्का सा ऑयल गर्म हो जाए तब मैं इसमें हमारा जो ऑयल है वो थोड़ा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें मस्टर्ड सीड डाल रही हूँ। इसे डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है जो हमने खिचड़ी बनाई है उसका। इसको हल्के तड़कने देंगे हम। ये हल्की तड़कने शुरू हो गई है। अब मैं इसमें हींग डालूंगी। मैंने 1 पिंच हींग की डाली है इसमें। ज़्यादा हींग हमें नहीं डालनी, सिर्फ 1 पिंच ही डालनी है। इसमें मैं जो मैंने ऑनियन को चॉप करके रखा था रफली वो ऐड कर रही हूँ। और हरी मिर्च 2 ली थी मैंने, इनको भी मैंने बारीक बारीक काट दिया था, वो इसमें ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसे जब तक हमारे जो प्याज है वो हल्के से ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाते जब तक मैं इसे फ्राई करूँगी। इसे ज़्यादा फ्राई हमें नहीं करना है, बस हल्का सा इसका कच्चापन निकल जाए और इसे हमें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। हमारे जो प्याज है उसमें से हल्का सा कच्चापन निकल गया है, आप देख सकते हैं। इसे बहुत हल्का हल्का ही हमें गोल्डन ब्राउन करना है। अब मैं इसमें टमाटर जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया था वो ऐड कर रही हूँ। टमाटर प्याज को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगा और टमाटर हमारे जल्दी से पक जाए इसके लिए मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप देख के ऐड कीजिएगा, हमने जो दाल चावल थे उसमें भी नमक ऐड कर रखा है इसलिए आप इसे बहुत ध्यान से ऐड कीजिएगा। इसे जब तक हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते जब तक हम इसे अच्छे से मिक्स करके फ्राई करेंगे। हमारे जो टमाटर हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और इसमें से ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। लाल चिली पाउडर अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसमें हरी मिर्च भी ऐड है इसलिए आप देख के डालिएगा। अगर आप बच्चों के लिए या आप कम तीखा खाते हैं तो आप इसे देख के डालिएगा। धनिया पाउडर, इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मैंने सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमारा जो पहला तड़का है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम देख लेते हैं कि जो हमने दाल बॉईल करने के लिए रखी थी वो हमारी अच्छे से बॉईल हुई है या नहीं हुई है। 4 सीटी आ चुकी है, कुकर हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है।
अब मैंने इसको खोल कर देखा है तो हमारे जो दाल चावल है वो अच्छे से बॉईल हो गए हैं। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं कि आपको कितनी गाढ़ी या कितनी पतली खिचड़ी चाहिए। मैंने खिचड़ी में पानी ऐड कर दिया है, आप अपनी ज़रूरत के अनुसार पानी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब जो मैंने तड़का तैयार किया था उसमें खिचड़ी ऐड करूँगी। जो मैंने पहले तड़का बनाया था खिचड़ी में डालने के लिए उसमें मैं ये सारी खिचड़ी ऐड कर दूँगी। दूसरा तड़का लगाने के लिए मैंने खिचड़ी में एक फ्राई पैन रखा है तड़के के लिए, उसमें मैंने 2 चम्मच देसी घी के ऐड किए हैं। खिचड़ी में देसी घी का दूसरा तड़का लगाने से खिचड़ी का स्वाद डबल हो जाता है। हमारा जब ये घी थोड़ा गर्म हो जाए तब मैं इसमें 1/2 चम्मच जो है जीरे का ऐड करूँगी। जीरा हमारा हल्का तड़कने लग गया है। अब मैं इसमें ये 2-3 सूखी लाल मिर्च है वो ऐड कर रही हूँ। 2-3 सूखी लाल मिर्च ऐड की है। अब मैं इसमें करी पत्ता ऐड कर रही हूँ। करी पत्ता डालने से ही बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये सेकंड तड़का है, ये वेरी इंपॉर्टेंट तड़का है हमारी दाल खिचड़ी के लिए। अब मैं जो 7 तड़का हमने जो बनाया है वो इसमें जो मैंने दाल और जो प्याज टमाटर का छोंक बना के रखा था इसमें ऐड कर दूँगी। और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हमारी जो दाल खिचड़ी बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर आया है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और गर्मियों के हिसाब से बहुत ही अच्छी रेसिपी है। अब मैं गैस का जो फ्लेम है उसे बंद कर रही हूँ और इसे दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर रही हूँ। हमारी दाल खिचड़ी तड़का रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है देखने में और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है, आसानी से पच भी जाती है और बनाने में तो ये बहुत ही ईजी है। ये सभी को पसंद आती है, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो। तो आप एक बार ये दाल खिचड़ी की रेसिपी बनाकर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी ये खिचड़ी कैसे बनी। अगर आपको मेरी दाल खिचड़ी की रेसिपी अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।